गणेशाय नमः। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध पंचम अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्ररसिं वीणापाणिः स्मयन्निव। श्री सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणि परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान
श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदास्थित परम हंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहैतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं।
व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्युमय संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चसका जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान के लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्मस्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया
जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्त युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभो, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्रह्मन्, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। हरि शरणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।